हाय फ्रेंड्स, रियलमी GT2 Pro इंडिया में लॉन्च हो गई है और इसका फर्स्ट सेल कब स्टार्ट हो रही है, आपको ऑफलाइन में कब देखने के लिए मिलेगी, ऑफलाइन में क्या प्राइस है, ऑनलाइन पे क्या प्राइस है, फर्स्ट सेल में आपको क्या क्या ऑफर देखने मिल रही है, ऑफलाइन मार्केट में क्या क्या ऑफर देखने मिलेगी, सभी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्नो माइन। चलिए से वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं, रियलमी जी टी 2 प्रो इंडिया में लॉन्च हो गई है जो कि 5G फ़ोन है। और ये फ़ोन को अगर आपको परचेज करना है तो इसकी सबसे पहले वेरिएंट आपको पता होनी चाहिए, किस किस वेरिएंट में लॉन्च हुई है, उसकी क्या प्राइस है। तो सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये दो वेरिएंट में इंडिया में आई है, 8GB 128GB, 12GB 256GB। और 8GB 128GB की प्राइस रखी गई है इंडिया में 50,000 रुपये। और सबसे हाइयर वेरिएंट जो इंडिया में लॉन्च हुई है 12GB 256GB, इसकी प्राइस रखी गई है 58,000 रुपये। अगर आप इस फ़ोन को फर्स्ट सेल में परचेज कर लेते हैं फ्लिपकार्ट से या फिर आप realme.com से, ये फ़ोन ऑनलाइन पे 2 जगह अवेलेबल हो रहा है, फ्लिपकार्ट और realme.com पे। आप realme.com पे भी जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर दोनों जगह में कहीं से भी आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको फ्लैट 5,000 रुपये का डिस्काउंट देखने मिलता है। जैसा कि अगर आप realme.com से अगर परचेज करते हैं फ़ोन realme GT2 Pro, तो आपको 5,000 रुपये HDFC के बैंक के कार्ड पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। साथ ही अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे आपको HDFC बैंक के साथ SBI के कार्ड पे भी आपको 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा, जिसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि 50,000 रुपये वाला वेरिएंट, जैसे कि 8GB 128GB वेरिएंट हम ले लेते हैं, इसकी प्राइस आपको 45,000 रुपये देखने के लिए पड़ेगी इंडिया में। और आप इस फ़ोन को काफ़ी आराम से परचेज कर सकते हैं SBI के कार्ड लगा के फ्लिपकार्ट से। और इसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट हो रही है आपको 14 अप्रैल से, जी हाँ 14 अप्रैल से इसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, realme.com पे। और ऑफलाइन मार्केट में भी आपको ये फ़ोन देखने के लिए मिलेगी, और ऑफलाइन मार्केट में आपको ये फ़ोन कुछ दिन वेट करके मिलेगा। अभी जस्ट लॉन्च हुई और आपको 14 अप्रैल को या 14 अप्रैल को अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आपको कुछ दिन वेट करना होगा। जैसे कि आपको 20 अप्रैल तक आपको वेट करना होगा, 20 अप्रैल तक आपको वेट करना होगा, तभी जाके ये आपके नियर में मार्केट में आ पाएगी, तब आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर ये आपके मार्केट में अवेलेबल हो गई है तो आपको बताना चाहें कि अगर ये फ़ोन अवेलेबल है 14 अप्रैल को आपके मार्केट में, अगर आप पता कर लेते हैं तो आपको इस फ़ोन पे 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा। और ये फ़ोन अवेलेबल होगी ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ रियलमी स्टोर पे, आपको डिस्काउंट भी देखने मिलेगा सिर्फ रियलमी स्टोर पे। अदर कहीं भी अगर आप ये फ़ोन ले लेते हैं तो आपको इस पे कोई डिस्काउंट देखने नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपको 1,000 से 500 रुपये और एक्स्ट्रा पेमेंट करके ये फ़ोन परचेज करना पड़े। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि रियलमी का अदर किसी स्टोर से पार्टनरशिप नहीं होता है, वो अपना फ़ोन नहीं बेचती है, और सब जो रिटेलर होते हैं वो अपने लिए, अपने ग्राहक के लिए फ़ोन अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप सभी को दे सकें फ़ोन, और उसको बेनिफिट उन्हीं से होता है जो आप 1,000 या 500 एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। आपको सीधा सीधा बात यही कहना है कि आप अगर रियलमी का कोई फ़ोन परचेज करते हैं तो आप रियलमी स्टोर जाइए, चाहे कोई भी फ़ोन हो, तो आपको एकदम सही दाम पर आपको सही फ़ोन मिल जाएगा। साथ ही आपको ऑफ़र जब चल रहा होगा तो आपको ऑफ़र का भी इंजॉय ले सकते हैं ऑफलाइन स्टोर पर। अदर कहीं भी आपको कोई तरह का ऑफ़र नहीं मिलेगा, अदर आपको पैसा भी एक्स्ट्रा लग सकता है कहीं अदर से परचेज करते हैं, इधर उधर से कहीं से। तो आपको सीधा करना है कि अगर आप ऑफलाइन से परचेज करना चाहते हैं तो रियलमी स्टोर हर जगह ओपन हो गई है, पूरी इंडिया में आपको हर जगह रियलमी स्टोर देखने के लिए मिल जाएगी, आप कहीं भी जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और ये फ़ोन 14 अप्रैल को फ्लिपकार्ट पे 12 बजे से फर्स्ट सेल स्टार्ट हो रही, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंजॉय ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं इस फ़ोन को परचेज करके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपसे मिलेंगे इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में।